ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टू डिस्कस विद MEG 14, राइट? तो MEG 14 में जब हम बात करते हैं कि कैसे पेपर पैटर्न होगा, मैंने आपको एक पेपर पैटर्न की एक वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पे, जहाँ पे कि जो एग्जामिनर है वो कैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? उसके साथ साथ मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है कि किस नोवेल के साथ क्या क्वेश्चन ऑप्शन में आता है, कहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज ऑप्शन में आती है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने एक PYQ का वीडियो भी अपलोड किया चैनल पे, जो कि लास्ट 2023 का क्वेश्चन पेपर है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? रिसेंट पेपर को एनालाइज करना और उसको दोनों देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है रिसेंट लास्ट ईयर से ही एक दो क्वेश्चन आपसे एज इट इज़ पूछ लिया जाए, है ना? तो वो बात तो हो गई। अब हम बात करेंगे कि फॉर्मेटिंग की क्या चीज़ आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है? क्या चीज़ बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड हाउ टू राइट आंसर इन द क्वेश्चन पेपर, और शीट डिवीजन, टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहले मैंने कुछ नोट डाउन पॉइंट्स किए हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्ले तुगलक है, ठीक है, तुगलक में क्या होता है, तुगलक से जो क्वेश्चन ऑप्शन में आता है वो भी तुगलक का ही आता है, तो तुगलक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, तुगलक आपका एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, राइट? तुगलक को छोड़ के अगर मैं बात करूं तो संस्कारा और तमश में से चॉइस आती है, तो संस्कारा और तमश में से आपको जो क्वेश्चन आसान लगता है आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए या फिर उसको कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद मणि महेश है, मणि महेश के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मणि महेश एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीन टॉपिक हो गए, तुगलक, संस्कारा या तमश में से कोई भी आपको एक करना है, ठीक है? और उसके बाद मैंने किसकी बात की, मणि महेश की। उसके बाद बामा का एक वर्क है, बामा एक विमेन थी, विमेन राइटर है जो कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, और उनका एक बहुत फेमस वर्क है, दैट इज कॉल्ड करक्कू। सो करक्कू की एक शॉर्ट समरी भी अपलोडेड है, और करक्कू का चैप्टर वाइज भी चैनल पे अपलोडेड है, देन यू हैव टू गो एंड गो थ्रू। आपको कवर करना है कंप्लीट, अगर चैप्टर वाइज करना चाहते हैं देन डेफिनेटली चैप्टर वाइज करो, और अगर आप समरी वीडियो चाहते हैं तो समरी भी चैनल पे अपलोडेड है। एक शादत हसन मंटो जी का एक ऐसे है ऑन इसमत, और इसमें चुक गई, तो इसको आपको करना है, मतलब मैंने पांच चीज़ें आपको बताई हैं, तुगलक करना ही करना है, संस्कारा करना है, मणि महेश करना है, उसके बाद बामा का वर्क करक्कू करना है, मंटो का ओन इसमत करना है, ठीक है? सॉरी थर्ड ज़्यादा है, सो थोड़ा सा भी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है? तो शॉर्ट स्टोरीज़ की बात कर लेते हैं, शॉर्ट स्टोरीज आपको आनी ही आनी है, शॉर्ट स्टोरीज में से आपको 4-5 गिवन होंगी, जिसमें से आपको कोई भी दो करनी होंगी। मैं आपको 4-5 मैंने पांच शॉर्ट स्टोरीज यहाँ पे लिखी हैं, जिसका नाम क्या है, द एम्प्टी चेस्ट है, उसके बाद है द कॉम्प्रोमाइज, बर्ड्स, सॉल्ट और वेरी लॉन्ली शी। ये मैंने पाँच सेलेक्ट की है इनका रिपीटेशन लेवल देखने के बाद, ठीक है? रिपीटेशन लेवल क्या होता है कि लास्ट 3-4 सालों में जो पोइट्री या जो शॉर्ट स्टोरी सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है, तो उसको लेवल देखने के बाद मैंने यहाँ पे मेंशन आउट किया है, उसको देखने के बाद मैंने यहाँ पे चीज़ें मेंशन की है, तो वो आप कर लेंगे। ये हो गई पॉइंट। अब बात करते हैं कि पेपर को कैसे करना है। देखो, जब एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे कि बोला है कि किसी भी पर्टिकुलर से टेक्निक बतानी है, संस्कारा नोबल का या राइटिंग स्टाइल बताना है, तो अगर आपको आता है तब सुनो क्या करना है। जब आता है तो आंसर को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, पहले में इंट्रोडक्शन देना है, दूसरे में मेन आंसर लिखना है, इंट्रोडक्शन में राइटर का नाम, प्ले का नाम या नोवेल का नाम, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में इलेबोरेशन करना है क्वेश्चन का, जैसे कि अगर वहाँ पे राइटिंग स्टाइल पूछा तो राइटिंग स्टाइल को आप टू द पॉइंट इलेबोरेट करेंगे, और लास्ट पैराग्राफ में आप क्या बताएंगे, उसमें जो स्पेसिफिक कुछ चीज़ें यूज़ हुई हैं, थीम्स यूज़ किया गया है, किसी चीज़ को मेन हाईलाइट किया गया है, ये सब बता के अपने आंसर को समराइज कर देंगे, ठीक है? इन द केस दैट यू डोंट नो हाउ टू राइट द एग्जैक्ट आंसर, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन के बाद दो, जब इंट्रोडक्शन आपका खत्म होगा, इंट्रोडक्शन के बाद आप समरी लिख देंगे डिटेल में, ठीक है? समरी लिखेंगे डिटेल में तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये तब करना है जब आपको आंसर बिल्कुल भी ना आए, और अगर एग्जैक्ट आंसर आना है तो उस तीन वाले फॉर्मेट को फॉलो करना है। शीट डिवीजन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग होगा, जितनी क्वेश्चन पाँच है तो उसी के हिसाब से शीट आप बांट लेंगे। टाइम मैनेजमेंट खींच के चलना है, टाइम को बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, टाइम को बिल्कुल खींच के चलना है। मुझे लगता है मैंने सारी बातें बता दी है, किस तरीके से लिखना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, और जो तुगलक प्ले है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगी, आप उसका आंसर देख लेना आज रात तक या कल मॉर्निंग पेपर से पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है? और इसमत पे भी भेज दूंगी, और एक बामा का भी क्वेश्चन भेज दूंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके 2-3 क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगी। व्हाट्सएप पर कैसे कनेक्ट होता है, कम्युनिटी पर जाना है, वहाँ पर लिंक है, वहाँ से आप अपडेट हो सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहिए, वीडियो को लेंदी नहीं करना, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सारी इसके अंदर इंक्लूड कर दी। एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम, स्टे कनेक्टेड।